नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते आज के समाचारों की ओर। लव जिहाद का मामला आया सामने। नाम बदलकर मुस्लिम लड़के ने दलित नाबालिग लड़की को फंसाया अपने प्रेम जाल में। योगी सरकार में भी लव जिहाद के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला बरेली के थाना बादरी क्षेत्र का है। एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर दलित नाबालिग किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसकी अश्लील क्लिप बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। थाने में अपने दुपट्टे से चेहरा छुपाकर किशोरी की हम पहचान उजागर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ जो घटना हुई है उसके बारे में हम अब आपको जरूर बताएंगे। पीड़िता का आरोप है कि वह ब्यूटी पार्लर पर काम करती है। वह रोज ऑटो से आया जाया करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने अपना नाम अमन बताया। अमन ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अमन के हाथ में कलावा और कड़ा देखकर वह अपने बेहद प्रेम करने लगी। पीड़ित के साथ अमन मंदिर में दर्शन करने भी गया। उसके बाद अमन ने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील क्लिप बना ली। एक दिन जब अमन के दोस्त ने पता चला कि उसका नाम अमन नहीं खालिद है, तो वह हैरान रह गए और उसने खालिद से मिलना बंद कर दिया। तब खालिद ने उसकी अश्लील क्लिप को सोशल मीडिया वायरल करने की धमकी दी, जिसे दुखी होकर पीड़ित ने थाना बादरी में न्याय की गुहार लगाई है। इस घटना को सुनकर हिंदू संगठन भी बादरी पहुंच गए और इस मामले में पुलिस को एक तहरीर दी गई है जिसमें खालिद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इस मामले में पीड़ित ने अब उसकी मां ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, मैं पार्लर जाती थी तभी एक मेरी फ्रेंड बोली थी सुबह से नहीं दोपहर से आ जाइयो। मैं दोपहर से जा रही थी तभी एक लड़का मिला ऑटो। मैंने उससे बोला भैया मुझे वहाँ छोड़ देना संजीटी, तो उसने बोला आज इधर का रास्ता बंद है घुमा के लेके आ रहा, तो घुमा के उधर हाईवे तरफ ले गया। वहाँ से मेरी छेड़छाड़ की वीडियो बनाई थी वहीं पर और उसी तरह मतलब ब्लैकमेल करता रहा। हाँ फिर मुझे उसके मुझसे बोला था मैं हिंदू हूँ जे है, बहुत अमन नाम बताया था अपना। मैं उस पता एक दिन उसका फ़ोन आया था तब उस किसी दोस्त का बोला तो मॉम डैन है वो खालिद नाम है उसका। मैंने उस घर जाने की कोशिश की तो उसने बीच रास्ते में मुझे मारा। उसकी शादी में शादी घुमाना चाहती हूँ, उसे जेल कराना चाहती हूँ। बस 4 महीने से जानती हूँ। बस ये बताओ उम्र कितनी है तुम्हारी? 14 साल। क्या इसने आपके साथ लगातार बलात्कार किया था? नहीं सर, लगातार नहीं, सब दो चार बार। नहीं जानती नहीं थी, बस इतना जानती थी। बस खाली वहाँ रहता था, झूठ बोलता, खाली डेला भी रहता हूँ, वहाँ सब हिंदू ही रहते हैं। अपने आप को हिंदू बता के किया था? हाँ, अपने आप को हिंदू बताया था। कड़ा वगैरह बांधता था? हाँ, कड़ा भी ला के दिया। मैंने सब मंदिर भी गया था एक बार घूमने। एक लड़का है पत्तापुर का, उसका खालिक नाम है, तो मेरी लड़की को जबरदस्ती करा और जबरदस्ती गाड़ी में डाल के ले गया, उसकी गंदी वीडियो बनाई और उसके बेइज्जती करी उसके संग में गद्दारी। फिर कल परसों मार कूट करी उसकी रास्ता में घेर के। हाँ, आप लोग यहाँ क्यों आए? उसकी सजा करानी है। हाँ, एफ आई आर कराने। वही हिंदू जागरण मंच के शुभ सक्सेना ने बताया जी, ऐसा है कि ये 14 साल की लड़की जो है इसकी माँ जो है हमारे जिलाध्यक्ष जी राजकुमार राजपूत जी के पास आई थी। राजकुमार राजपूत जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मालूम पड़ा कि मुस्लिम कोई लड़का है खालिद नाम का, जिसने कि अपना नाम अमन बता रखा था, इस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जैसे कि जो लव जिहाद की जो बात चल रही है वो लव जिहाद ऐसे ही चल रहे हैं। आज की तारीख में जितने मुस्लिम लड़के हैं कॉलेजों के पास कलावा बांध के घूमते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, और अपनी पहचान को छुपाकर हिंदू बताकर लड़कियों को भोली भाली लड़कियों को फांस रहे हैं। यही किस्सा इस लड़की के साथ हुआ। ये ब्यूटी पार्लर में लड़की काम भी करती है, 7वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। इस लड़की को अमन नाम से इन्होंने फंसाया, फंसाने के बाद इसके संग कई बार बलात्कार, एक बार नहीं कई बार बलात्कार किया, उस बलात्कार की वीडियो बनाई और उस वीडियो को दिखा के लगातार बलात्कार करते रहे, लगातार ब्लैकमेल करता रहा और बलात्कार करता रहा। उसके बाद जब उस लड़के ने का नाम इसको पता चला बीच में कि ये खालिद है अमन नहीं है, क्योंकि इसके मोबाइल पे जो उसने मोबाइल का सिम दे रखा था उस पर किसी इसके दोस्त का फ़ोन आया, तो इसने कहा ये तो अमन का मोबाइल है। उसने कहा नहीं, अमन का नहीं है, खालिद का मोबाइल है। तब इस लड़की को पता चला कि ये लड़का मुस्लिम है। तब इस लड़की ने रिश्ते तोड़ने की कोशिश करी, तो उसने उस वीडियो को दिखाकर इसके संग फिर भी बलात्कार करा। लड़की बता नहीं रही है, लेकिन लड़की पिछले 1 माह से लगभग गर्भवती है, जिसकी मेडिकल में पुष्टि भी हो जाएगी। लड़की जो है जाटव समुदाय की है, SC ST एक्ट लगना चाहिए इसके ऊपर, पासपोर्ट लगना चाहिए इसके अंदर। तो मेरा कहना यही है योगी सरकार से कि ये लव जिहाद जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, इस पर अंकुश लगना चाहिए
और भोली वाली लड़कियों को इस जाल से बचाना चाहिए। ये क्या इसे क्यों ऐसा लगा कि ये हिंदू है, क्या मंदिर वगैरह जाता था, कलावा बांधता था? हाँ मैं भी बता रहा हूँ कि वो लड़का जो है जैसे कि ये बच्ची बता रही है कि वो कलावा बांध के घूमा करता था और इसके संग मंदिर भी गया है वो। जब आप मेरे संग कोई व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा तो मैं तो यही समझूंगा कि वो हिंदू है, लेकिन अगर वो मोबाइल पे फ़ोन नहीं आता तो ये लड़की अभी भी भ्रम में थी कि वो हिंदू ही है क्योंकि वो अपना नाम अमन बताता था। तो आजकल ये फैशन सा हो गया है कि मुस्लिम लड़के कलावा बांध के घूम रहे हैं, अपने नाम जो है हिंदुओं के नाम पे रखते हैं, जिसकी वजह से ये भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं और भोली भाली लड़कियाँ हिंदू इनके प्रेम जाल में फंस के बलात्कार की शिकार हो रही हैं। तो ये लव जिहाद के खिलाफ हमारी ये मुहिम है और हम ये कहते आए हैं बराबर, राजकुमार राजपूत जी भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी ये कहते आए हैं कि इस पर अंकुश लगना चाहिए, अन्यथा समाज में स्थिति विकराल होगी। इस मामले में एसपी सिटी अभिनंद सिंह ने कहा, थाना बारादरी में पकड़ा आया जिसमें कि एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसके साथ गलत हरकत की और काफ़ी टाइम तक उससे संबंध बनाए रखा, तो उस मामले में हम लोगों ने तहरीर ले ली है और मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। अब उसने वो लड़की नाबालिग है और उसने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने गलत अपनी आइडेंटिटी दिखाई और गलत नाम बताया महिला को और उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाया, तो इस संबंध में हम लोग कार्रवाई कराई जा रही है। 376 और पॉक्सो की धाराएं भी लग रही है इसमें। अभी फिलहाल हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और तथ्य आने पर उसमें गिरफ्तारी भी की जाएगी। हार्टमैन पुल से गिरकर युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। थाना इज्जत नगर के कृष्णा नगर में रहने वाले महेंद्र कुमार यादव का 22 साल का बेटा अमन कुमार यादव गाड़ी चलाता था, जो रात 12 बजे हार्टमैन पुल से अपने घर जा रहा था। इसी बीच उसकी बाइक पुल पर खड़ी देख राहगीरों ने झांक कर देखा तो पुल के नीचे अमन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसकी सूचना जब घर पर बताई गई तो घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पर अमन के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा, घर से ये कहकर निकला था कि किसी का फोन आया है, 10-15 मिनट में आता हूँ जी। उसके बाद रात को 12 बजे के टाइम में किसी का फोन आया कि तुम्हारा लड़का पुल के नीचे पड़ा है। कौन से पुल की बात है? हार्टमैन पुल के। तो उसके बाद मैं इज्जत नगर स्टेशन तक गया, वहाँ तक फिर फोन आ गया मेरे पास कि बोले उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे तो पुलिस वालों ने मेरे को मेरे लड़के का मोबाइल और लीड मेरे हाथ में जी, बोले आप बोलो, मैंने पापा बोले ये ले जाओ, ये कान में लगा के बात करता हुआ आ रहा था। जब उसको मैंने मोर्चरी में देखा उसकी डेड बॉडी, तो उसको देखते ही मैंने उसी समय कहा, मैंने ये उसको ऊपर से मार के किसी ने फेंका, गाड़ी में कोई खरोच नहीं आई, गाड़ी बिल्कुल सही खड़ी बिल्कुल जी, और उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया और पुलिस कह रही कि एक्सीडेंट है। कोई पुरानी रंजिश वगैरह कोई नहीं है बस, वो तो अब ये कैसे पता लगे किसने फ़ोन किया है, उसी फ़ोन से ही पता लग सकता है। किसी पर कोई आशंका नहीं। अब समय होता है छोटे से ब्रेक का। जिलाधिकारी बरेली बीरेंद्र कुमार सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा सूचना जनित में जारी। बधाई हो, सुना है तुम माँ बनने वाली हो, साथ में एक और खुशखबरी है माँ जी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर करने पर 1,000 रुपए, पहला चेकअप कराने पर 2,000 रुपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर औसतन 1,000 रुपए और बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000 रुपए। मतलब खुशखबरी पे खुशखबरी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। फन सिटी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चुनी गई 30 क्वीन जागृति वर्मा। शुक्रवार को फन सिटी में महिलाओं व युवतियों द्वारा तीज महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें महिलाओं व युवतियों की विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। तत्पश्चात 30 क्वीन 30 प्रिंसेस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 30 प्रिंसेस में खुशबू सिंह फर्स्ट रनअप रही। प्रिंसेस
खिताब जीता है वो है टैंक नंबर, जबकि रिफा सेकंड रनर रही। वहीं तीज क्वीन का खिताब जागृति वर्मा के खाते में गया, जिस पर महिलाओं ने चुनी गई तीज क्वीन को ढेर सारी बधाई दी। मुंशी प्रेमचंद जी की 142वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। कवियों और साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। उपजा प्रेस क्लब में अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति द्वारा साहित्यकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की 142वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी उपेंद्र सक्सेना ने ऋषि कुमार शर्मा, रमेश विकट आदि कवियों को शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कवियों ने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन प्रकाश डाला। नहीं अन्याय भेद, हम उसको पानी कहते हैं, और जो चरण मौत से भरवाए हम उसे जवानी कहते हैं। जो चरण मौत से भरवाए हम उसे जवानी कहते हैं। सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के काले पानी पर, धरती नोछावर होती है लपटों से घिरी जवानी पर। पशु बल का होता ह्रास नहीं, धन की मनमानी चलती है। इतिहास उधर चल देता है किशोर जवानी। आज कल है वो भटकते दर बदर, जो बुरा है नए भरों की भीड़ की रहनुमाई कर रहा है। पिछड़ा हूँ मैं हमें छोड़ के जाने पिछड़ा हूँ मैं हमें छोड़ के जाने वाले पिछड़ा हूँ मैं हमें छोड़ के जाने वाले थे कभी हमको नाखून उंगलियों के चबाने में रह गए, पूरे निकल गए थे मुहाने में रह गए। नाखून उंगलियों के चबाने में रह गए, पूरे निकल गए थे मुहाने में रह गए। वो प्यार के ससुराल को अपनी चली गई, हम बातों प्यार निभाने में रह गए। अनेक कवियों ने रामधनी निर्मल, रमेश विकट, आनंद गौतम, महेश मधुकर, रामवीर सिंह, रणधीर प्रसाद गौड़ आदि ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अब समय होता है छोटे से ब्रेक का। रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ एंड इनर व्हील क्लब बरेली न्यू नॉर्थ के सहयोग से संचालित दिव्यांग मेंटली चैलेंज बच्चों हेतु विशेष शिक्षा केंद्र पूजा सेवा संस्थान डीडीपुरम में पिछले 9 वर्षों से पूर्व रोटेरियन गवर्नर पीपी सिंह व उनकी पत्नी मालती देवी, पूर्व अध्यक्षा इनर व्हील क्लब बरेली न्यू नॉर्थ के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो सन 2000 में 5 दिव्यांग बच्चों को लेकर शुरू किया गया था, जिसको विश्व दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। आज पूजा सेवा संस्थान बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का विकास कुशल शिक्षिकाओं द्वारा किया जा रहा है। संस्था दिन प्रतिदिन विकास करते हुए आज 50 दिव्यांग बच्चों की देखभाल कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 100 साल से भी पुराने मंदिर में स्थापित हुई नई प्रतिमाएं, इन क्षेत्रवासियों के माध्यम से इस प्राचीन मंदिर में राधा कृष्ण, माँ काली, माँ दुर्गा, शनिदेव, बजरंग बली, शिव परिवार की स्थापना कराई गई। इससे पूर्व महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर हवन पूजन के बाद भंडारे का किया। मंदिर को सुंदरता देने का प्रयास करने वाले जगदीश वर्मा, अशोक राजपूत, रमेश, सुरेश पप्पू, अमित पिंटू, राजू पप्पू, आकाश विजय, मुरारी केशव यादव आदि का योगदान रहा। कल यहाँ पे ये मंदिर जो है 1200 साल पुराना है, और इस मंदिर में केवल शिवलिंग ही थी, और अब जो है मोहल्ले वालों ने मिलकर इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया है। तो इस मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें माँ काली, माँ दुर्गा, हनुमान जी और शिव परिवार और शनिदेव महाराज की राधा कृष्ण स्थापित किए हैं, और आज है भंडारा है। आज भंडारा हुआ जी। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर हैं? श्रद्धालु तो लगभग बोल लो 800 या 900 रुपये, 900 लोग खा चुके हैं।
हिंदू सशक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने गंगा जी की सामूहिक आरती की। हिंदू सशक्ति दल जिला इकाई के जिला अध्यक्ष रजत कश्यप के नेतृत्व में रामगंगा तट पर 251 दीपों से कार्यकर्ताओं के साथ मां गंगा की आरती की गई। शरण तेरे आता मैया, शरण तेरे आता यम को त्रास का कहना है कि सावन माह में लाखों कांवरी गंगा जी का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। इस सावन माह में मां गंगा का बहुत महत्व है। कांवरियों को विशाखगंज के चेयरमैन ने की झंडी देकर रवाना। ग्राम मजगवा के जय मां दुर्गा कांवर सेवा समिति के तत्वाधान में करीब 200 कांवरिये जल भरने कछला घाट को रवाना हुए, जिसका विशालगंज के चेयरमैन सूरज मौर्य ने फूल बरसा का झंडी दिखाकर कांवरियों को रवाना किया। इस मौके पर देवीदास वर्मा, सर्वेश राजपूत, धर्मेंद्र आर्य, संजीव कुमार सहित समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। रिटायर्ड फौजी पर जानलेवा हमला, अस्पताल में लड़ रहे जिंदगी मौत से जंग। फतेहगंज पूर्वी में जमीनी विवाद के चलते क्षेत्र के ग्राम कादरगंज निवासी फौजी राजवीर सिंह पर पड़ोस के गांव के लोगों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना पर पुलिस ने फौजी को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ फौजी की हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में घायल राजवीर के परिजनों ने बताया, हमारे भैया हमारे साथ में गए थे, उन दुख रहे थे, हम दूर थे, हमारे पापा भी दूर थे, और तीन लोगों ने जाके उन्हें अकेले में घेर लिया और गोली मार दी उनके, पैसे का लेन देन था। कौन है वो लोग? वो लोग हम ब्रेक के थे, बबलू थे, बंदूकें थी क्या थे? नहीं, तमंचा था 315 का। अच्छा, कितनी गोली मारी है? एक गोली सीना पे मारी। वही घटना की जानकारी देते हुए एसपी संसार सिंह ने कहा, नहीं फौजी नहीं है, 2 साल नौकरी की थी इसने बहुत पहले और छोड़ाया था, उसके बाद ये इधर उधर के गलत काम भी करता था तो जेल भी गया है आदमी। तो सुबह सूचना मिली थी कि राजवीर जो एक्स फौजी है उसके तीन लोगों ने गोली मार दी है, थाना फतेहगंज पूर्वी कादरगंज की घटना बताई गई थी। तो मैं ही मौके पर गया था, बाकी सब और अधिकारी भी मौके पर गए, तो घटना ये संदिग्ध प्रतीत हो रही है, जिससे ये बता रहा है कि गोली मारी है उसका, इस पर 3,05,000 रुपये उधार था, और वो आदमी ठीक ठाक रेपुटेशन का आदमी है, वो गांव के एक बड़े नाम के आदमी को और अपने एक साथी को लेकर इससे पैसा मांगने गया था खेत पर। तो प्रथम दृष्टया केस जो बनाया हुआ लग रहा है, जो मजरूब है राजवीर उसका इलाज चल रहा है, और जो लोग जिन्हों बताया जा रहा था तीन लोग, उनमें से 2 थाने पर आ गए अपने आप चल, तो बता रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जो तहरीर देंगे उसमें मुकदमा लिखा जाएगा, अभी कोई तहरीर नहीं मिली है, और गहरी छानबीन करने के बाद जो आगे कार्रवाई की। अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी के विरोध में बरेली के सैकड़ों की संख्या में सपा नेता हुए रामपुर के लिए रवाना। पुलिस ने बीच में ही लिया हिरासत में। सड़क पर लेट का हंगामा करते हुए जबरन हवालात में घुसते हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों नेता आज रामपुर कूच कर रहे हैं। सपा नेताओं ने सड़क पर लेट कर प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाइयों के प्रदर्शन को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सभी समाजवादी नेताओं का फतेहगंज पश्चिम में ले जाकर गिरफ्तार दर्ज की। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा, माननीय मोहम्मद आजम साहब के खिलाफ जो अनैतिक और गैर कानूनी कार्रवाई उनकी यूनिवर्सिटी को लेकर की जा रही है, उस संबंध में प्रदेश से निर्देश मिला कि आप लोग रामपुर पहुंचे। हम लोग रामपुर जा रहे थे, बरेली पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ मीरगंज पर रोक लिया गया है, और
कहा गया है, गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने जबरदस्ती भी की, धरना भी दिया और उसके बावजूद भी इन लोगों ने कहा हम आपको गिरफ्तार करते हैं। अब बस में बैठ चुके हैं, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। योगी सरकार के बारे में जो कुछ बदले की भावना से काम करना, बिना वजह काम करना, हिंदुस्तान के एक नेता मुस्लिम यानी मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को डराने का काम करना, ये योगी सरकार कर रही है। ये देश को का बंटवारा करना चाहती है। एक बंटवारा 1947 में हुआ और एक बंटवारा ये लोग फिर करना चाहते हैं। ये बहुत ही खराब दुष्परिणाम होंगे इसके, योगी सरकार के, और आगे तो भविष्य जानता है कि हिंदुस्तान के लोग शांति और सुकून से रहना चाहते हैं। इनने दहशत का माहौल बना दिया है। हम लोग हजारों की संख्या में आए हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बारीनगला में हुई मेहंदी प्रतियोगिता। शुक्रवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय बारीनगला में सहायक अध्यापक पीयूष शर्मा के निर्देशन में कक्षा 6, 7 और 8 की छात्रों ने मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे को मेहंदी लगाकर अपने हुनर के जलवे बिखेरे, जिसमें कक्षा 8 की स्वाति प्रथम, कक्षा 7 की कुमकुम दुर्ते, कक्षा 6 की राखी की तृतीय स्थान प्राप्त किया। पैगाम में इमाम हुसैन समाजी संगठन के पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को दी जा रही योजनाओं को कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से धरातल पर नहीं आ पा रही है, जिसको लेकर पैगाम में इमाम हुसैन संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट हॉल से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि केंद्र सरकार पर प्रदेश सरकार की चल रही योजनाओं में सभी कार्यालय में धांधली चल रही है, बगैर पैसे के योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे संस्था के पदाधिकारी और सदस्यगण जो है जिला कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने आए हैं सिर्फ इस संबंध में कि आज जिस भी विभाग में जाओ, कोई सा भी विभाग हो, बिना दलालों के कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई सी भी योजना हो, बिना दलालों के कोई योजना आम जनता को नहीं मिल पा रही है। जैसे मुफ्त आवास योजना है, मुद्रा लोन योजना है, विधवा पेंशन है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, ये बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आम जन को नहीं मिल पा रही हैं। जब तक दलालों से बात नहीं करोगे, जब तक कोई योजना का लाभ जनता को नहीं मिलता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चैनलों पे बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि बेरोजगार जाएं बैंक में और 1,00,000 का मुद्रा लोन लेकर वापस आएं, लेकिन वो तो इतनी आसानी से कह देते हैं कि जैसे बैंक मैनेजर हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन जब हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, आम जनता जब वहाँ पहुँचती है, तो बैंक मैनेजर कम से कम 50 फालतू बातें बताकर वो अपात्र कह के बैंक से टरका देते हैं, और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय ये कहते हैं कि बेरोजगारों के लिए एक बेहतर मौका है लोन लेकर कारोबार शुरू करें। ऐसे ही पारिवारिक राष्ट्रीय लाभ योजना जो है, उसमें विधवा औरतों को 30,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन आज उस योजना का ये हाल बना रखा है कि जिन औरतों की दलालों से सेटिंग है उनके तो मंजूर हो जाते हैं, बाकी बिचारी जो गरीब विधवा जिनकी कोई सांठगांठ नहीं है उन्हें अपात्र कह के विकास भवन से टहला दिया जाता है। ऐसे ही जिला अस्पताल में भी यही है कि जब तक आप दलालों से बात नहीं करोगे, जब तक जो है आपके मरीज की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आज हर विभाग में दलालों का राज है। हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि हर जिले से, हर विभाग से दलालों का राज खत्म किया जाए। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आपने सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे साथ संपर्क करें फोन नंबर 9760095470। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, गंगा चौहान पर, बरेली। समाचार सिलसिला यही खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी।